आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, खुदरा बाजार में 29 रुपए किलो चावल बेचेगी सरकार। भारत राइस ब्रांड के तहत चावल बेचेगी सरकार, कारोबारियों को पोर्टल पर स्टॉक अपडेट करने को कहा गया। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी होगी भारत राइस की बिक्री। बाजार में अगले हफ्ते 5 से 10 किलो की पैक में उपलब्ध होगी भारत राइस। जरूरत पड़ी तो चावल की स्टॉक सीमा तय कर सकती है सरकार। अमूमन ऐसा होता है, जब स्टॉक सरकार के पास ज्यादा होता है तो इस तरीके से खुदरा बाजार में उसको उतारा जाता है, अमूमन व्यापारियों को भी दिया जाता है, क्योंकि एक लिमिट है स्टॉक करने की, और उस स्टॉक से आगे एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट की भी एक लिमिट है। लेकिन जब वो लिमिट क्रॉस होती है तो उसके बाद इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। राहत की बात यह है कि जो चावल के शौकीन हैं और जिनको अभी महंगे दाम पर चावल खरीदने पड़ रहे हैं, वो भारत राइस की बिक्री शुरू होने के साथ महज 29 रुपए प्रति किलो में चावल खरीद सकते हैं। और बात करते हैं रेल मंत्री के जयपुर दौरे की। दौरे को लेकर भाजपाई क्षेत्रों में उत्सुकता, क्या सचमुच जयपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे अश्विनी वैष्णव, या फिर अपने पुराने क्षेत्र ओडिशा के कटक से चुनाव लड़ेंगे अश्विनी वैष्णव। सूत्रों के अनुसार वैष्णव अभी तक इस बारे में नहीं बना पा रहे अपना मन, इसलिए वो अब सब कुछ पार्टी नेतृत्व पर छोड़कर जुट गए हैं रेल मंत्रालय के काम। अलबत्ता उनका कल का जयपुर दौरा यहां से उनके चुनाव लड़ने की संभावनाओं को एक संकेत दे रहा है। वहीं राजस्थान को रेल परियोजनाओं के लिए दिया गया है 9782 करोड़ का बजट। कल बाकायदा भारत 24 पर अश्विनी वैष्णव का इंटरव्यू हुआ था और उस इंटरव्यू के अंदर अश्विनी वैष्णव से सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा था कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कटक से लड़ाएंगे तो कटक से, जयपुर से लड़ाएंगे तो जयपुर से। अब वो जयपुर आ रहे हैं और यहीं से संभावनाओं को बल मिल रहा है, संकेत मिल रहे हैं कि शायद हो सकता है वो जयपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच राजस्थान को रेलवे की तरफ से जिस तरीके से 9000 करोड़ से ऊपर का बजट दिया गया, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी शो में अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा था कि 2014 से पहले राजस्थान को सिर्फ रेलवे के नाम पर 600 करोड़ का बजट मिलता था, जो बीते 10 सालों में बढ़ते बढ़ते आज 9600 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। और बात करते हैं उत्तराखंड की। वैसे तो पूरे देश भर के अंदर यूसीसी और सीडब्ल्यूए का जिक्र है और इसको लेकर जमकर सियासत चल रही है, लेकिन उत्तराखंड में यूसीसी ड्राफ्ट की सिफारिशें सरकार के पास पहुंच चुकी है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल, लड़कों की शादी की उम्र 21 साल होगी। विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और यह महत्वपूर्ण है कि विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, क्योंकि जब यूसीसी का जिक्र आता है तो यूसीसी मतलब कॉमन सिविल कोड, और उस तरीके से पति पत्नी को तलाक के समान अधिकार मिलेंगे, समान कारण और आधार उपलब्ध होंगे, बहुविवाह पर रोक लगाई जाएगी, एक पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं हो। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार मिलेंगे। लिव इन रिलेशन का डिक्लेरेशन देना होगा, छुपके से नहीं होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन देना अनिवार्य होगा, और ये यूसीसी जिसके अंदर ये ड्राफ्टिंग जो की गई है उसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और उसमें कहा जा रहा है कि लड़की की शादी 18 की उम्र के बाद हो सकती है, लड़कों की 21 के बाद। विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसमें जाति धर्म का जिक्र नहीं। इसका मतलब ये कि जो भी उत्तराखंड का वासी होगा वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, उसको इस नियम की पालना करनी होगी। दोनों तरफ से समान अधिकार होंगे तलाक लेने के, और उसकी बाकायदा एक प्रक्रिया होगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अगर होगा तो सिर्फ 3 बार तलाक कह देने से तलाक नहीं होगा, आपको बाकायदा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना पड़ेगा, तलाक लेना पड़ेगा और उसकी प्रोसीडिंग से गुजरना पड़ेगा। एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह नहीं कर पाएंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि जो चोरी छिपे लिव इन रिलेशन में रहते हैं, जो बताते नहीं हैं, जो छुपाते हैं, उनको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, उसके बाद ही लिव इन रिलेशन में रहना होगा। इसका मतलब है कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा।
रांची से हैदराबाद पहुंचे गठबंधन के विधायक, गठबंधन के कुल 43 विधायक पहुंचे हैदराबाद। फ्लोर टेस्ट वाले दिन रांची लौटेंगे सभी विधायक। अब इसको आप बाड़ेबंदी कह सकते और इसको आप पॉलिटिकल टूरिज्म भी कह सकते। विधायकों के साथ हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन भी मौजूद हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को है विधायकों की खरीद फरोख्त का डर, क्योंकि आज मुख्यमंत्री की शपथ चंपई सोरेन ने ले ली है, लेकिन खरीद फरोख्त का डर अभी भी है। बेशक उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है, जब तक विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट नहीं होगा और फ्लोर टेस्ट के आधार पर बहुमत साबित नहीं होगा, तब तक सरकार को स्थायी माना नहीं जाता। और यही डर झारखंड मुक्ति मोर्चा को है, और इसलिए सबको हैदराबाद टूरिज्म पर ले जाया जा रहा है, पॉलिटिकल टूरिज्म पर। इस दौरान हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन खुद कमान संभाल रहे हैं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को है विधायकों की खरीद फरोख्त का डर। लेकिन इन सबके बीच में चंपई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बन गए। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उनको शपथ दिलाई। हेमंत सरकार में चंपई सोरेन कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सरायकेला विधानसभा सीट से चंपई सोरेन विधायक हैं, झारखंड टाइगर के नाम से वो चर्चित है। अब जरा सोचिए, काफी लंबी बैटिंग किया उन्होंने। 1991 में उपचुनाव जीतकर पहली बार वो विधायक बने थे। चंपई ने शुभू सोरेन के साथ लंबे वक्त तक काम किया है, और शपथ के बाद चंपई सोरेन कैबिनेट की बैठक करेंगे। चंपई सोरेन को दरअसल शिबू सोरेन परिवार की शैडो के तौर पर देखा जाता है, परछाई के तौर पर देखा जाता है, जिन पर काफी ज्यादा विश्वास है। न सिर्फ शिबू सोरेन के दौर में चंपई सोरेन पर काफी विश्वास था, बल्कि हेमंत सोरेन के सरकार में भी उनको अघोषित तौर पर नंबर 2 की पोजीशन पर रखा जाता था। और यही हुआ कि जब हेमंत सोरेन पर गाज गिरी तो सत्ता आई चंपई सोरेन के पास, क्योंकि ये सोरेन परिवार जानता है कि अगर उनके लिए सबसे विश्वास पात्र कोई है जो उनके कहने पर सरकार को रन कर सकता है, वो नाम है चंपई सोरेन। कांग्रेस पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का तीखा हमला, और कहा कि पता नहीं कांग्रेस 300 में से 40 सीट भी जीतेगी या नहीं जीतेगी। कांग्रेस को इतना अहंकार क्यों है? हिम्मत है तो वाराणसी से बीजेपी को हराओ। जहां जीतते थे वहां भी कांग्रेस हारती गई। राहुल गांधी तो फोटो खिंचवा रहे हैं, कुछ लोग फोटो ऑप के लिए आते हैं। और जरा सोचिए, जिस कांग्रेस के साथ INDI गठबंधन के अंदर ममता बनर्जी के नुमाइंदे कई बार पहुंच चुके हैं, वो अब सीधे तौर पर कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतर आई। और उसके पीछे की एक बड़ी वजह है अधीर रंजन चौधरी, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी का ममता सरकार के साथ 36 का आंकड़ा है। ममता सरकार और खासकर ममता बनर्जी चाहती हैं कि अधीर रंजन चौधरी को उनकी लोकसभा सीट से हराया जाए। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए ममता बनर्जी कह रही हैं कि कांग्रेस 300 में से इस बार 40 सीट भी जीत पाएगी, ये कंफर्म नहीं है। इसको लेकर भी बड़ा क्वेश्चन है, और कह रही है कि कांग्रेस पता नहीं इतने अहंकार में क्यों है। हो सकता है कि सीटों के बंटवारे के साथ कांग्रेस सहमति ना बना पाई हो, और जब ममता बनर्जी ने खुद अकेला चलने एकला चलों की रणनीति पर काम करना शुरू किया, तो फिर निशाने पर कांग्रेस को लेना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस से खिसका वोट बैंक ही दरअसल TMC का वोट बैंक है। और इशारों में कांग्रेस पर बड़ा हमला किया, ये कहते हुए कि अगर हिम्मत है तो बनारस से बीजेपी को हराओ। यहां बनारस से बीजेपी के हारने का मतलब है प्रधानमंत्री मोदी यहां से चुनाव लड़ते हैं, और शायद ममता बनर्जी ये इशारा करें कि अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो बनारस में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। ये भी रणनीतिक तौर पर सियासी मास्टर स्ट्रोक जो ममता बनर्जी ने कांग्रेस के खिलाफ, खासकर राहुल गांधी के खिलाफ चल दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना, केंद्र के खिलाफ कोलकाता में 2 दिवसीय धरना शुरू कर दिया गया। राज्य के बकाए के भुगतान की मांग को लेकर धरना दिया गया है। केंद्र सरकार पर TMC लगाती रही है आरोप, 7,000 करोड़ से ज्यादा के बकायों का लगाती रही आरोप। इनमें से ज्यादातर बकाया है मनरेगा स्कीम का। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धरने से जुड़ेंगे लाभार्थी भी, जिनको अभी तक भुगतान नहीं किया गया वो लाभार्थी इससे जुड़ते हुए नजर आएंगे। और बीते साल में
जो एक आंकड़ा आया मनरेगा का, उसमें एवरेज 50 से 60 दिन का काम किया गया है, लेकिन क्या वाकई में 7000 करोड़ का भुगतान रुका हुआ है? इसका जवाब केंद्र सरकार ही दे सकती है। सवाल यह भी कि क्या चुनाव से पहले बढ़ेगी अखिलेश और जयंत की टेंशन? लोकसभा चुनाव के लिए सपा रालोद के बीच ये सीटों का गणित लगभग तय है, लेकिन आरएलडी की तय 4 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही सपा, और इस वजह से गठबंधन में असमंजस का माहौल बना हुआ है। जिन 4 सीटों का जिक्र हम कर रहे हैं उनमें पहली सीट है कैराना, दूसरी है बिजनौर, तीसरी है मुजफ्फरनगर और चौथी है हाथरस। ये वो सीट है जो आरएलडी इनसे चुनाव लड़ती है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी इन पर रणनीति बना रही है और सपा के इस दाव से रालोद के रणनीतिकार असहज महसूस कर रहे हैं। कुल मिलाकर 60 सीटें रालोद खाते में आना तय है, ऐसे में 4 सीटें जाने से आरएलडी के खाते में सिर्फ 3 सीटें ही रह जाएंगी। आरएलडी के रणनीतिकार 12 फरवरी को छपरौली में करेंगे मंथन। अब सवाल यह है कि क्या ये सीट शेयरिंग बन सकती है गठबंधन में एक और फूट का कारण? INDI गठबंधन वैसे ही टूट के कगार पर, अगर क्षेत्रीय गठबंधन भी टूटे तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। प्रधानमंत्री मोदी से मिले हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर। दिल्ली में हरियाणा सीएम मनोहर लाल से शिष्टाचार भेंट की गई। हरियाणा में सरकार की योजनाओं, विकासात्मक कार्यों पर चर्चा हुई, प्रदेश के विकास और संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई और कहा गया कि प्रधानमंत्री का दूरदर्शिता पूर्ण मार्गदर्शन सदैव प्रेरणा देता रहा है, सदैव नई ऊर्जा के साथ जनसेवा की प्रेरणा देता रहा है।